हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपने क्लास 8th में जो एक्सपोनेंट पावर पढ़ा है वही फॉर्मूले हैं, वही सब कुछ है, बट क्वेश्चन थोड़े से नए आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आपके जो दिए गए हैं आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और दिए गए हैं। ठीक है, तो वो तो आप 10-15 मिनट में आराम से कर लोगे, बट इंट्रोडक्शन इसका बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक, एक्सरसाइज 1.5 की तरह, एक्सरसाइज 1.5 की तरह बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, काफी सारे मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए। ठीक, और एक्सरसाइज 1.6 है उसको आप एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखेंगे तो मात्र 15 मिनट का है। ठीक है, लेकिन बेस लेके चलोगे और अच्छे क्वेश्चन करने हैं आपको अगर, क्योंकि ये एक्सपोनेंट पावर तो बेसिक चीज है, कैलकुलेशन वाली चीज है, बेसिक चीज है। तो एक्सरसाइज 1.5 जैसे हमने अच्छे से प्यार से की थी, अच्छे से पूरी डिटेल में सब क्वेश्चन किए थे सब टाइप के, ऐसे ही एक्सरसाइज 1.6 भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ अदर बुक से भी मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूले लिखे हुए आपके सामने, ये 10 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इन 10 में से फॉर्मूला लगने वाला है। बुक में आपके 4 या 5 क्वेश्चन फॉर्मूले दिए गए हैं, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनमें से एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं लग रहा। ठीक है, फॉर्मूले समझ लोगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि फॉर्मूला समझना काफी नहीं होता है, फॉर्मूला समझ के उसको अप्लाई करना क्वेश्चन के अंदर वो बहुत जरूरी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैथ में एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, क्या फॉर्मूले याद करने के बाद, फॉर्मूले लर्न करने के बाद उसको अप्लाई करना क्वेश्चन के अंदर, वो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है जो आपने क्वेश्चन लिया और हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूले याद करो अच्छे से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं ना, और समझते जाओ और फिर क्वेश्चन कर दिया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले जो आपके हैं वो मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट पावर और के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर, कोई ए रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, हम नंबर नहीं बोलेंगे यहां पर, यहां नंबर कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कब कैसा लेना है। ठीक है, तो समझो इससे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर वो ये लिखे हुए लॉ, ये है 10, ये बेसिक चीज है। अगर किसी ए नंबर है, कोई नंबर है ए, उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं कंटिन्यूस, कितने टाइम, एन टाइम्स, एन मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स, 7 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से, तो कोई ए नंबर है उसका मल्टीप्लाई रेगुलर हो रहा है मान लो एन टाइम्स, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए वैसे लिखा रहता है, और जितनी बार, जितने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या चढ़ा देते हैं, पावर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, पावर में। तो ये पावर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। देखो समझो अच्छे से, जैसे मैंने नंबर लिया 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×
बार आ रहा है, ठीक है, सिक्स टाइम्स। तो 5 टू दी पावर 6 बोलेंगे, लेकिन वहां पर 5 क्या है, बेस है, और 6 क्या है, एक्सपोनेंट है। बोल पावर रहे हैं लेकिन वो नंबर क्या है, एक्सपोनेंट है। मतलब ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है। जैसे मैंने 5 बेस तो बोला नहीं है, 5 बेस टू दी पावर 6 ऐसा तो बोला नहीं है, 5 टू दी पावर 6 ये बोलना हो गया। पावर एक वर्ड यूज करना है बोलते वक्त, लेकिन 6 क्या है, एक्सपोनेंट, 5 क्या है, बेस है, ठीक है। सिंपल सी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। चलिए अब हमारे आते फॉर्मूले, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सिंपल तो आने से आप कुछ प्लस माइनस करने के लिए आएगा आपके सामने, ठीक है। तो कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझना। तो पहला फॉर्मूला है हमारा, किस टाइप से है, कैसे करना है, उसका एक एक दो एग्जाम्पल लूंगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा मैं इसके भी अंदर। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएगी। फॉर्मूले याद रखना हमेशा, ठीक है, फॉर्मूले लर्न करके आना, उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा ये लिखा नहीं आपने, एन एक्सपोनेंट
ये है आपका एक्सपोनेंट और ये है बेस, बेस मैंने यहां दिया है, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला है हमारा ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन, जी मैंने बॉक्स में अलग क्यों किया, क्योंकि सेम टाइप है, ठीक है, समझना, ध्यान समझना बच्चों, प्यार से। ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्लास एट वाले बच्चों, आपने एट में ध्यान रखा था ना, क्या था फॉर्मूला याद किए मेरे ख्याल से अच्छे से, वही है। देखो ए टू दी पावर एम है मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन है, मतलब क्या है आंसर क्या है, ए टू दी पावर एम प्लस एन, मतलब जब दो ऐसे एक्सपोनेंट लिखे होंगे उनमें क्या सेम है, अलग बेस सेम है, पावर अलग अलग है, कुछ भी हो सकती है। एक बात और है, बुक में आपकी जो बात की गई है ए एम और एन की, ए एम और एन की, वो नेचुरल नंबर लिए गए, कैसे नंबर लिए गए, नेचुरल नंबर, ध्यान रखो इस बात को, आपकी बुक में नंबर लिए गए नेचुरल नंबर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया जाएगा ज्यादातर नेचुरल नंबर लेने, लेकिन ध्यान रखना नंबर कोई भी आ सकती है, नीचे नेगेटिव भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, वो आएंगे क्वेश्चन तब मैं आपको बताऊंगा। आपकी बुक में ऐसे ही दी गए हैं और ऐसे ही बताया जाता है बच्चों को ज्यादातर, ठीक है, बट हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के और अच्छे से समझने हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स और रियल नंबर्स, ठीक है, सॉरी यहां पर फोर आएगा फॉर रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो अब कैसे समझो, अगर दो नंबर लिखे हुए उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई लगा है, तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड, बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है, मल्टीप्लाई होता है तो ऐड कर देते हैं, डिवाइड होता है तो इस टाइप से लिखा होता है या इस टाइप से, तो ध्यान रखना ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं हमेशा, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो 5 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या आएगी ऐड, यानी 6 प्लस 2 इक्वल टू 5 टू दी पावर 8। नॉर्मल सी बात है, समझने की बात है, नॉर्मल सी बात है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ेगी तो प्लस होगी। देखो अगर मैं इसको लिखूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं ऐसे, देखो समझ लो 5 टू द पावर 6 से मैं 6 वाला लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 2 टाइम्स है तो 2 लिख दिया। अब मैं टोटल इसको गिनूं तो 5 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बट अब इसको ऐसे ना करते हुए किससे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे, बट मैं ये आपको समझाया कॉमन सेंस के लिए कि ऐड क्यों होती है, ऐड क्यों होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव पावर आ जाती है तो आपको बीच में प्लस साइन लगाना है, जो नंबर होगा उसको वैसे का वैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं आपको, समझो अच्छे से, जैसे मैंने लिखा 2 टू पावर 4 और 2 पावर माइनस 3, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 2 टू दी पावर 4 प्लस माइनस 3, ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो ध्यान रखना आपको नंबर तो एज इट इज वैसे के वैसे लिखना है, बस इन दोनों के नंबर के बीच में क्या लगा देना है प्लस, तो 2 टू दी पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 के तो आएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा, 4 और 3 7 कर देना, ठीक है, ये एग्जांपल समझ में है और देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको देखते हैं, जैसे 5 टू दी पावर 4 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 6, तो कितना आएगा 4 टू दी पावर 8 माइनस 6, यानी 4 टू दी पावर कितना आ जाएगा 2, 4 टू दी पावर इसी को समझता हूं 6 डिवाइडेड 4 टू दी पावर 8, तो 4 टू दी पावर 6 माइनस 8 यानी 4 टू दी पावर माइनस 2, ये होगा, मतलब पहले वाले में से बाद वाली घटाएंगे, या फिर ये समझ लो ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर को माइनस किया जाता है, क्लियर, ये हो गया। अब इनको देखो, ये नोट करते हैं ना, साथ वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, लिखिए, फिर मैं बता देता हूं। अब थर्ड और फोर्थ समझते हैं, इनमें बेस सेम था तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड करनी है, डिवाइड में पावर माइनस करनी है, अब इनमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है,
ठीक है, तो इनको समझो अच्छे से क्या होता है। अब इनमें क्या है, देखो पावर सेम में बेस अलग अलग है, पावर सेम में बेस अलग अलग है, तो इसमें आप सिंपल ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई है तो बेस का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो बेस का क्या कर दो, डिवाइड, मतलब 5 टू द पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 2, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 6 होल पावर 2। मैंने आपको सुन बताया था जो होल पावर होती है उनको अलग अलग सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में किया था, प्लस माइनस में नहीं किया था, तो इनको आप अलग अलग भी कर सकते हो, यानी कितना होगा 30 टू द पावर 2। अब चाहो इनको तो ये 2 पावर अलग अलग करके ये भी ले सकते हो, ठीक है, तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, तो a मल्टीप्लाई b होल पावर m, या फिर जब मल्टीप्लाई में होल पावर होती है तो इनको अलग अलग भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूले का यूज है, यहां से ये भी हो सकता है, यहां से ये भी हो सकता है, क्लियर। चलिए ऐसा ही है, जैसे मैं लिखा 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2, तो 3 अपॉन 4 और होल पावर 2, इस टाइप से, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं बहुत ही कम बता रहा हूं अभी फिलहाल, समझने के लिए सिर्फ, वीडियो पहुंच गई नोट कर लिया करो। अब क्वेश्चन 5 वाला है, ये क्या है, पावर टू द पावर, अगर भी किसी नंबर की पावर है और उस पर भी पावर है, किसी नंबर की पावर है और उस पर भी पावर है, तो पावर टू द पावर का क्या जाता है, मल्टीप्लाई, ए टू द पावर एम है और होल पावर एन है, तो पावर टू द पावर का क्या होता है, पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जैसे 2 टू द पावर 6 है और होल पावर 3 है, तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द पावर 6 3 जा 18, इस टाइप से। कभी कभी देखो जाते सॉल्व ऐसे करेंगे, 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 होल पावर 8, तो क्या आएगा 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8, कट गया तो क्या आएगा 4 टू द पावर 4, ऐसे ऐसा आएगा सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट पावर। जी मैं बता रहा हूँ रियल नंबर की बता रहा हूँ, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन आएंगे तो करके दिखाऊंगा, ठीक है, अभी इतना ही काफी है। अब a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, a टू द पावर 0 बनने मतलब, अब एक यूनिवर्सल वाली बात है, ध्यान रखो बस, कोई भी नंबर हो, कुछ भी लिखाओ, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी नंबर लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, अगर उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, कुछ भी लिखाओ, कहीं भी लिखाओ, अगर उस नंबर की पावर, उस वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 लिख दिया जाता है, अगर उस इस अर्थ के ऊपर भी मैं 0 पावर लगा दूं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, समझ में आ गई, अर्थ से बड़ा तो है नहीं इसमें, अभी लालत नहीं है, अर्थ में जो कुछ है अर्थ पे, ठीक है, सिंपल। लेकिन हाँ 0 टू द पावर 0 कुछ नहीं होता है, एक इनफाइनाइट साइन होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, यहां सिर्फ नंबर बात हो रही है, नंबर्स की, जो नंबर होते हैं, 0 की पावर 0 कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, अनडिफाइंड है ये, कुछ ही नहीं है, तो नंबर्स अपन नॉर्मल नंबर का कर 1 2 3 6 अपॉन 2 रूट 2 रूट 5 एक्स वाई जेड इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया 7 और 8 एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, है ना, देखो 7 है a टू द पावर -1, जब किसी भी नंबर की पावर -1 होती है, जब किसी भी नंबर की पावर -1 होती है तो उसका मतलब 3 नेम है और एक ही नेम नॉर्मली हम यूज करते हैं, सुनो, एक होता है इनवर्स, एक होता है रेसिप्रोकल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 3 नाम यूज करते हैं, मतलब अगर मुझे 5 का इनवर्स निकालना है तो 1/5, 5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो भी 1/5, ठीक है, इनवर्स निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है तो भी 1/5, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है वो भी क्या 1/5, 5 टू द पावर -1 निकालना है तो भी 1/5, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज करते हैं सर, तो हम यूज करते हैं इनवर्स वर्ड नॉर्मल, ठीक है, ये और ये एक ही वर्ड है लेकिन नॉर्मली वर्ड क्या करना है, इनवर्स, जब किसी भी नंबर की पावर -1 आएगी या कहीं भी आप -1 पावर देखोगे तो उसको क्या बोलोगे, इनवर्स, क्या बोलोगे, इनवर्स, जैसे मैंने बोला एक्स पावर -1 तो एक्स इनवर्स, ठीक है, वाई टू द पावर -1 तो वाई इनवर्स, ठीक है, 1/2 द पावर -1 तो 1/2 इनवर्स, ऐसे समझ में आ रहा है ना, तो नोट करते चलिए, मैं आपको जो बता रहा हूं ना
ये एक तरह का ये आपको जो मैं सब जो बता रहा हूँ क्लास नाइन्थ का जितना भी चल रहा है बेस कितना भी चल रहा है किसान नाइन्थ का और टेंथ का जो भी मैं कराता हूँ मैं, ठीक है, ये मान के चलो आप ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है आपका, ये मान चलो आईआईटी का क्या चल रहा है, आईआईटी का फाउंडेशन कोर्स, ये मान चलो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको मैं इतना डिटेल में लेके क्यों चल रहा हूँ, इतना डिटेल में मुझे कराना होता तो बुक का करा देता, काफी खत्म हो जाता। ये इतना डिटेल में इसलिए लेके चलने का रीजन यही है कि मैं जहां तक हो सके जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं उनका फाउंडेशन कोर्स जो होता है ना, फाउंडेशन मतलब होता है नाइन टेंथ का अच्छे से समझ लेना, जो बेसिक होता है वो समझ लेना, उसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये मान चलो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ये मान चलो आपका क्लास नाइन्थ का नहीं करा रहा, ये मान चलो क्लास नाइन्थ का तो चल ही रहा है, अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी मिल रहा है तो ले लो, वो तो हम कर ही रहे हैं उसके साथ और भी मिल रहा तो ले लो, तो वही चीज है। तो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इसी मान चलो। अब एग्जांपल देखो, ये और ये एक ही है, ए इनवर्स मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इनवर्स एक महत्वपूर्ण एक साइन है, साइन नहीं है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर यूज की जाती है। जैसे मैंने कहा टू पावर माइनस वन, तो क्या लिख दो वन अपॉन टू, थ्री इनवर्स वन अपॉन थ्री, रेसिप्रोकल कर दो। अगर मान लो किसी पावर आ जाती है यानी कि सेवन टू दी पावर माइनस टू, तो आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल दिया तो माइनस पावर आती है, इसका यूज क्यों करते हैं, जब हम एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन करोगे तो आंसर नेगेटिव पावर में कभी नहीं छोड़ना, आंसर नेगेटिव पावर में कभी नहीं छोड़ना, हमेशा आंसर पॉजिटिव पावर में लिखा जाता है, क्लियर। अब सेवन टू दी पावर माइनस टू का मतलब यह है, ये जो माइनस होती है पावर, सुनो अच्छे से, माइनस जो पावर होती है उसका काम होता है रेसिप्रोकल करना, उसका उल्टा लिख देना, माइनस जो पावर होती है उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल कर देना, मतलब माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, किसका, बेस का, ओनली बेस का, पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो सेवन का क्या होगा, वन अपॉन सेवन और पावर टू, सेवन का होगा वन अपॉन सेवन और पावर टू, फॉर्मूला देख लो, ए टू दी पावर माइनस एन, तो ए टू दी पावर जो माइनस है वो क्या जाएगी प्लस, अगर प्लस करनी है तो माइनस आएगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा वन अपॉन ए टू दी पावर माइनस सिक्स, तो ये क्या जाएगी ए टू दी पावर प्लस सिक्स, ऊपर से नीचे लागू तो नेगेटिव हो जाएगी, नीचे से ऊपर लागू तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाता है किसका, पावर का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये भी वही है, ए अपॉन बी में लिख दिया मैंने, जैसे मान लो फोर अपॉन थ्री टू दी पावर माइनस टू है, आपको दो तरीके हैं, या फिर तो अलग अलग पावर चढ़ा लो, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, फोर टू दी पावर माइनस टू, थ्री टू दी पावर माइनस टू अलग अलग कर लो, ठीक है, अब थ्री टू दी पावर माइनस टू ऊपर ले आके प्लस का हो जाएगा, और ये ऊपर का जो नीचे आ क्या जाएगा प्लस का, अब फिर इसको चेंज कर लो थ्री अपॉन फोर होल पावर टू, क्योंकि पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो बेस ऐसे का ऐसे ही पावर होल पावर टू। अब तो इसको मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको, जब नेगेटिव पावर पॉजिटिव करनी है तो जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो, बस ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ये तीन जो फॉर्मूले लिखे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर पावर नेगेटिव से आपको पॉजिटिव बनानी है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसको पलट दो, इनवर्स लिया उसका, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले समझा रहा हूं, ये माइंड में सेट करके रखो, आप क्या करते हैं के फॉर्मूले के साथ ही आप ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए हमको, क्वेश्चन तो अगर ऐसी सिंपल से आने लगे तो फिर फॉर्मूले क्यों करना, फिर तो क्वेश्चन ही रट लेंगे, क्वेश्चन ही कर लेंगे, क्वेश्चन को समझ के उसको सॉल्व करना ही मैथ है, क्वेश्चन को समझ के उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, यही मैथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन्थ फॉर्मूला क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है अगर किसी नंबर पे कोई भी रूट है, nth रूट है, इसको कहते हैं रूट, जैसे कहते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर होता है तो फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जितनी भी रूट होती है उसको अगर आपको पावर में चेंज करना है तो वन अपॉन लिख देते हैं, वन अपॉन लिख देते हैं, मतलब जैसे कि मैंने लिखा टू, ये क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, जैसे कि आप बताओ जैसे एक्स है तो इस पर पावर वन हम लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, वो होता ही है, ऐसे ही स्क्वायर रूट पे जो पावर जो यहां पर टू होता है वो लिखते नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, टू है,
वन तो रूट होता नहीं है, क्या होता है स्क्वायर रूट यानी टू रूट, तो इसका मतलब यह है टू टू द पावर वन अपॉन टू। अगर मान लो थ्री है इस पर पावर है, मान लो सॉरी फोर है उसका कौन सा रूट है क्यूब रूट, थ्री मीन्स क्यूब रूट, तो इसको अगर मुझे पावर में चेंज करना है तो फोर टू द पावर वन अपॉन थ्री। कब चेंज करेंगे कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। अगर मान लो जैसे फाइव है इस पर मान लो फोर अपॉन थ्री, तो इसका मतलब फोर अपॉन थ्री और टू द पावर वन अपॉन फाइव, समझ में आए, ठीक। अब इसका ही एक्सपेंड रूट कौन सा, ये वाला, ये कैसे है समझो, इसमें क्या होती है कुछ अपॉन पावर होती है, कैसे देखो एक नंबर है फाइव स्क्वायर फोर अपॉन फाइव, समझ रहे आप ध्यान से अच्छे से, फॉर्मूले को तो है ये, वो तो आपको याद करना है, बट मैं अभी पहले इसको समझाऊंगा तब उसको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है थोड़ा बड़ा लिखता हूं इस टाइप से, इसमें क्या होता है अभी मैंने बताया जो अपॉन में पावर होती है वही क्या होता है इसका रूट होता है, जो अपॉन में पावर होती है वो क्या होता है इसका रूट होता है, क्या बोला सुनो, जो अपॉन में होती है वही क्या होता है इसका रूट, तो अपॉन में क्या है फाइव तो फिफ्थ रूट होगा इसका। अब फोर का आएगा जो न्यूमरेटर में होता है, जो न्यूमरेटर में जो ऊपर होता है वो होती है उसकी पावर, वो क्या होती है उसकी पावर, आप समझ लो a to the power m upon n, upon में क्या है n है तो nth रूट आएगा, वो m न्यूमरेटर में तो m की पावर क्या, वो a to the power क्या होगी n। इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको ऐसे भी ले सकते हो, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा m मल्टीप्लाई वन अपॉन n लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। अब जो वन अपॉन n है इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो a टू द पावर n और होल पावर वन अपॉन n, फॉर्मूला पावर टू द पावर होती है तो पावर पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो पावर ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो a टू द पावर m और होल पावर क्या ले सकता हूं वन अपॉन n, ठीक है। अब वन अपॉन n क्या आएगा n रूट में आएगा और ये बेस क्या है इसका a टू द पावर m, तो ये हो गया, क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, बस आपको यही ध्यान रखना है जो अपॉन में आएगा वो होगा उसका रूट और जो न्यूमरेटर में आएगा वो उसकी होगी पावर, या पावर यहां चढ़ाओ या होल चढ़ाओ, एक ही बात है, ठीक। तो आपकी ये फॉर्मूले हो चुके हैं, तो फॉर्मूले तो मैंने समझा दिए, एक बार वीडियो और अच्छे से देखे, ठीक, मेरा रिपीट करने से अच्छा है कि आप उसी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके अच्छे से देखें तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, जो जिन बच्चों को आ रहा होता है फिर वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूं आप जहां पर मैंने बोला वीडियो पॉज कीजिए तो वहां पर रुककर समझिए पूरा, फिर नेक्स्ट समझिए, वीडियो ऐसे देखा करो। अगर लॉन्ग वीडियो जाती है एक्सरसाइज आपकी होती है तो पहले जितना आप आ रहा उतना कर लो, वीडियो पॉज कर लो उसका, करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर आगे करोगे, तब तक नहीं करोगे। तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन चलेगा, अभी तो काफी बड़ा है, ये तो फॉर्मूले समझाए मैंने भी, अभी क्या समझाया ओनली फॉर्मूले, कुछ सम एग्जांपल्स, ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्वेश्चन कराने हैं, क्वेश्चन कैसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब सर काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे से लेकर बड़े तक सब टोटल बेसिक क्वेश्चन। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे इससे पहले वाले में एक्सरसाइज 1.5 में, लेकिन इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन है इसलिए टाइम लगेगा, तो हो सकता है इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफी डिटेल में हो, वन पार्ट टू पार्ट में दो या तीन पार्ट में भी हो सकता है डिटेल में, क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.6 तो हम काफी बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता एक्सरसाइज 1.6 आप ऐसे कीजिए, मैं चाहता हूं बहुत अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है, दिल से, बट मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें अच्छे से, क्लियर। तो अभी के लिए इतनी बकवास काफी है ना, तो कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, तो अभी मैं वीडियो यहां पे पॉज करता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए, फॉर्मूला ऐड कीजिए, ठीक है,
और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसके क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला लर्न करना एक्सरसाइज हो तो फॉर्मूले सामने रखना, मैं फॉर्मूले डायरेक्ट बताते जाऊंगा आपको, ठीक है।